चलिए अब आपको पूरी टाइमलाइन समझा देते हैं, क्या कुछ कब हुआ और किस तरीके से अब अडानी ग्रुप पर यह तलवार लटक रही है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की 106 पेज की रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। 25 जनवरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर्स में लगातार गिरावट, सभी शेयर्स दरअसल लाल निशान पर पहुंच जाते हैं। अडानी समूह ने अपना एफपीओ भी इस बीच जारी कर दिया 27 जनवरी को। 28 जनवरी को मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अडानी समूह से जवाब मांगा और उसके बाद 29 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अडानी समूह ने अपना एक विस्तृत जवाब दिया जिसमें उनके चेयरमैन खुद सामने आए और उन्होंने हिंडनबर्ग के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। 31 जनवरी अडानी समूह का एफपीओ बंद हो गया और उसके बाद ये कहा गया कि फुली सब्सक्राइब हुआ यह एफपीओ, लेकिन 1 फरवरी को अडानी एंटरप्राइजेस ने एफपीओ रद्द करने का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने अडानी ग्रुप के कर्ज पर बैंक से अब जवाब मांगा है। एनएसई ने अडानी ग्रुप के 3 शेयर्स को सर्विलांस में डाल दिया है। तो ये तमाम घटनाक्रम बीते 6 से 7 दिन में अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है। पिछले 9 दिन में अडानी साम्राज्य में भूचाल सा गया है। भारत से लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त अडानी ग्रुप की चर्चा हो रही है, तो इसके पीछे 7 बड़ी वजह है। पहली वजह, पिछले 9 दिनों में अडानी ग्रुप को 8 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। दूसरी वजह, गौतम अडानी की नेटवर्क 24 अरब डॉलर गिरकर 64.7 अरब डॉलर रह गई है। तीसरी वजह, दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी 2 नंबर से 16 नंबर पर आ गए। चौथी वजह, आरबीआई ने सभी बैंकों से अडानी इंटरप्राइजेस को दिए कर्ज की जानकारी मांगी है। पांचवी वजह, अडानी ग्रुप के 10 में से 9 शेयरों में गिरावट। छठी वजह, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। सातवीं वजह, अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से गौतम अडानी को लगा झटका। गौतम अडानी के साम्राज्य में यह सुनामी महज 9 दिनों में आई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया और कहा कि कंपनी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, लेकिन जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम और कानूनी कार्रवाई का स्वागत करेगी। मुझे कोई इसमें धांधलेबाजी नहीं नजर आती, इसलिए नहीं नजर आती कि जब भी कोई लिस्टेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं उसको हर 3 महीने बाद स्टॉक एक्सचेंज में अपने अकाउंट्स जमा करने पड़ते हैं, हर 3 महीने में अपने रिजल्ट, प्लस उसका ऑडिट होता है, प्लस इन्होंने विदेशों से भी लोन लिया हुआ है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक और विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं या जिन्होंने लेंडर्स हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है, वो भी कंपनी की एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। वो लोग पूरा ड्यू डिलीजेंस करके तब लोन देते हैं। तो अगर धांधलेबाजी होती या फ्रॉड होता तो इनको इतनी बड़ी मात्रा में लोन नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक एक्सचेंज में धांधलेबाजी नहीं चल सकती। इसके पहले बुधवार देर रात अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुल्ली सब्सक्राइब एफपीओ को रद्द कर इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने की बात कही। बुधवार को अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर 26.70% गिरकर 2,179.75 पर बंद हुआ था। इस गिरावट को ही एफपीओ वापस लेने की वजह माना जा रहा है, लेकिन गौतम अडानी ने एफपीओ रद्द करने के बाद एक वीडियो मैसेज दिया। इसमें इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया। अडानी ने कहा कि पिछले हफ्ते स्टॉक में हुए उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी के बिजनेस और उसके मैनेजमेंट में आपका भरोसा हमारे लिए आश्वासन देने वाला है। फॉर मी द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company
आर वेरी स्ट्रांग, आवर बैलेंस शीट इज हेल्दी एंड एसेट्स रॉबस्ट। लेकिन सच यही है कि 2023 लगता है गौतम अदाणी के लिए ठीक साबित नहीं हो रहा। गौतम अदाणी ने जुलाई 2022 में माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को पछाड़ दिया था। पिछले साल फरवरी में गौतम अदाणी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अदाणी इसके साथ भारत के और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अदाणी की नेटवर्क पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। लेकिन विवादों के बीच मुकेश अंबानी अदाणी से एक बार फिर आगे चले गए हैं। अंबानी मौजूदा समय दुनिया में 10वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति और गौतम अदाणी 16वें नंबर पर हैं। आज तक देखो।